हेलो एवरीवन, मैं हूँ नेमत और आप नेमत खाना पर बने हुए हैं। चलिए आज बनाते हैं बहुत ही आसान ढंग से घरेलू तवे पर तंदूरी चिकन। यहाँ पर हमारे पास 1 kg चिकन है, तो हमने इसे धोकर आधा घंटा पहले छान लिया था और आप देख सकते हैं कि अब ये बिल्कुल ड्राई है, तो इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। अब इसमें हम मैरिनेशन लगाएंगे। यहाँ पर हमें 2 मैरिनेशन का इंतज़ाम करना है। फर्स्ट मैरिनेशन के लिए हमें इसमें नींबू, अदरक, हल्दी और मिर्च पाउडर लगाना है। ये मैरिनेशन इसे ओडोरलेस भी करेगा और सॉफ्टन भी करेगा। इस चिकन पीसेस को थोड़ा सा स्लिट लगाना होगा, ऐसा करने से ये जो मोटा मोटा पीस है वो आसानी से गल सकेगा। इसी तरह से 1 या 2 कट हम हर पीस में लगा देंगे। अब इसमें मसाला लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने मिर्च का इस्तेमाल किया है, 1/2 teaspoon हमारी ये मिर्ची पाउडर है, तीखी वाली मिर्च है ये। साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डालना है, ज़्यादा नहीं, इसे हमें पीला पीला नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा इसका कलर बढ़िया हो जाए इसके लिए हमें 1 चुटकी हल्दी इस्तेमाल करनी है। हमने यहाँ पर 1/4 teaspoon हल्दी लिया है। अब इसमें नींबू निचोड़ना है। अब ये हमारे पास जिंजर पेस्ट है, तो हमें ये पूरा नहीं डालना है, बस इसे नींबू की तरह निचोड़ना है। इसकी बहुत अच्छी सी स्मेल होती है और अदरक गलावट भी होता है, तो इसे लगा कर रखने से इसमें जो एक स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगा और ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसे अच्छी तरह से मसल मसल कर चिकन पर सारे मसाले को रगड़ लेना है और इसे 3-4 घंटे तक यूं ही छोड़ देना है। बस ध्यान रखें कि आप किसी भी मेटल के बर्तन में ये प्रोसेस ना करें। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और तवा में इसे बनाना बहुत आसान होता है। हर के घर में ओवन नहीं होता और ना ही माइक्रोवेव होता है, तो बड़ी आसानी से आप इसे घरेलू तवे पर यानी चपाती बनाने वाले तवे पर बना सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि जो तवा आप इस्तेमाल करें वो लोहे का हो तो सबसे बढ़िया है। बहुत से लोग यहाँ पर नमक का भी इस्तेमाल करते हैं, मगर मैं नमक का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि नमक डालने से चीज़ों से पानी रिलीज़ होने लगता है और गोश्त बिल्कुल ड्राई हो जाता है। तो फर्स्ट मैरिनेशन में आप नमक ना लगाएं तो बेहतर है। दोस्तों, मैंने सारी रात इस चिकन को फ्रिज में रखा हुआ था और अब इसे मैंने सेकेंड मैरिनेशन के लिए बाहर निकाला है फ्रिज से। इसके लिए हम दूसरा मैरिनेशन तैयार करने वाले हैं, तो चलिए उसे बनाते हैं। अब मैं यहाँ पर दही ले रही हूँ, तो यहाँ पर अंदाजे से लगभग 200 ग्राम के करीब मैं दही लेने वाली हूँ। उससे कम भी चलेगा, लेकिन दही गाढ़ा होना चाहिए। मैंने यहाँ पर मार्केट की दही इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर हम इसमें एक पेस्ट डालेंगे, जिसे मैंने काजू, पोस्ता दाना, चिरौंजी और मगज से तैयार किया है। तो इस पेस्ट का 2 tablespoon हम यहाँ पर डाल रहे हैं और ये ज़रूरी होता है तंदूरी चिकन के लिए। ये क्रीमी सा पेस्ट जो है वो ज़रूरी होता है। अगर आपके पास चारों चीज़ नहीं है तो काजू का पेस्ट बना लें या सिर्फ पोस्ता दाना से भी पेस्ट बनाया जा सकता है, लेकिन पोस्ता दाना को मिक्सी में पीसना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपके पास ज़्यादा पावरफुल मिक्सी है तो ही इसको इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर हम डालेंगे कुछ पाउडर मसाला। तो सबसे पहले थोड़ा सा 2 चुटकी या 1/4 teaspoon से भी कम हम यहाँ पर हल्दी डाल रहे हैं। हल्दी का रंग तंदूरी चिकन में बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना वो हल्दी वाला चिकन तैयार हो जाएगा। 1/2 teaspoon हम यहाँ पर तीखी वाली लाल मिर्च डाल रहे हैं। अगर आपको इसे ज़्यादा कलरफुल करना है तो कश्मीरी रेड चिली भी 1 चम्मच यहाँ पर डाल सकते हैं। 1/2 teaspoon धनिया पाउडर, बस थोड़ा सा खुशबू के लिए। अब यहाँ पर हमने 3/4 teaspoon गरम मसाला पाउडर लिया है। ये होममेड गरम मसाला पाउडर है
और इसकी रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है, मैं लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, आप देख लेना। 1 टीस्पून भरकर हमने अदरक का पेस्ट लिया है और 1/4 टीस्पून हमें लहसुन का पेस्ट लेना है। लहसुन का पेस्ट ज़्यादा नहीं लेना है, वरना हमारे चिकन में लहसुन का स्मेल डोमिनेट करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ पर हम 3/4 टीस्पून नमक इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी तक हमने नमक इस्तेमाल नहीं किया था। अब तंदूरी चिकन में खूब अच्छी सी खुशबू हो तो बहुत अच्छा लगता है, तो हम यहाँ पर 2 चुटकी इलायची पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं, हरी वाली इलायची, ये घर की पिसी इलायची पाउडर है। बस 1 पिंच यहाँ पर हम खाने वाला रंग इस्तेमाल कर रहे हैं, वही रंग जिससे हम अक्सर अपने मीठा चावल में कलर करते हैं। अब यहाँ पर एक बार फिर से हम थोड़ा सा नींबू का रस और इस्तेमाल कर लेते हैं। पहले भी हमने चिकन के ऊपर नींबू का रस डाला हुआ है। चौथाई टीस्पून हमने यहाँ पर जीरा पाउडर डाला है, ये भुने हुए जीरा का पाउडर है। 1/4 टीस्पून ही काली मिर्च भी है। अब मसालों को खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये बढ़िया सा मसाला तैयार होगा और इस मसाले का टेस्ट जैसा होगा, आपके तंदूरी चिकन का टेस्ट भी वैसा ही होगा। अच्छी तरह से फेंट लेने के बाद आप इसको टेस्ट करके देख लें कि इसका नमक कैसा है। नमक ज़बान को चुभता हुआ लगना चाहिए तो समझें कि आपके चिकन में नमक बराबर होगा। तो अब मैंने इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है और इस मसाले को आप टेस्ट करके देखें। ऐसे तो ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, नटी और बहुत ही चटपटा सा टेस्ट है इसका, और हमारा नमक भी बिल्कुल ठीक है, मगर मैंने इसमें 1/4 टीस्पून लाल मिर्च और ऊपर से मिलाई है। तो अब इसमें हम चिकन को डाल देते हैं। क्योंकि अब इसमें मसाज करने की बारी है, जितनी अच्छी तरह से इसका मसाज करेंगे उतना ही ये टेस्टी बनेगा। और यहाँ पर मसाज करने के बाद फिर से हम चिकन को 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। अब इसमें 2 और स्पेशल चीज़ें डालनी है जिसे आपको दिखाना ज़रूरी था। तो सबसे ज़रूरी तो है कि इस पर 1-2 टीस्पून आप घी या बटर डालें, इससे चिकन में तलते वक्त ग्लेज आएगा और टेस्ट भी बहुत सौंधा हो जाएगा। साथ ही इसमें क्रश्ड पुदीना पाउडर डालें या फिर कसूरी मेथी डालें, तो मैं यहाँ पर पुदीना पाउडर डाल रही हूँ। देखिए अब इसे भी अच्छी तरह से मिला लेना है और फिर इसे अब छोड़ देना है। एक घंटे से चिकन हमारा मैरिनेट हो रहा है और अब बारी है इसे फ्राई करने का। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर लोहे का एक थिक बॉटम पैन चढ़ाया है और ये लोहे का बर्तन है इसलिए ये ज़्यादा हेल्दी भी होगा। मैंने यहाँ पर घी इस्तेमाल किया है। फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देना है। शुरुआत में हमें फ्लेम को तेज़ रखना है ताकि चिकन अपने सारे जूसेस रिलीज कर दे। तो अब इसे पलट लेते हैं। तो अब मैं इसे धीमी आंच पर आहिस्ता आहिस्ता सेकने वाली हूँ ताकि ये बाहर से लाल हो जाए और अंदर से बिल्कुल नरम और मुलायम हो जाए। अब इस चिकन को पकते हुए पूरे 20 मिनट का वक्त गुजर चुका है। आप देख सकते हैं कि चिकन बहुत अच्छी तरह से पका है। अब इस बचे हुए मसाले को हम एक दूसरे पैन में फ्राई करेंगे, भून लेंगे और इस भुने मसाले को फिर से हम अपने तंदूरी चिकन में शामिल करेंगे। अब प्याज कैरामलाइज हो चुका है तो बचे हुए मसाले को इसमें डालकर धीमी आंच पर
खूब अच्छी तरह से भून लेना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए या थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इतना भून लेना है कि मसाले का कच्चापन खत्म हो जाए और मसाला सोंधा हो जाए। अब बचे हुए मसाले को भी मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, तो इसमें थोड़ा सा हम क्रीम या दूध और मिला लेते हैं ताकि हमारा चिकन इसमें अच्छी तरह से लिपट जाए। आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट बना है। अब आपको चिकन को जितना लाल करना है आप इसे डायरेक्ट फ्लेम पर लाल कर ले ताकि इसमें तंदूरी चिकन वाला कलर आ जाए। तो है ना ये तरीका बिल्कुल आसान, इसे आप एक बार बनाएं, ये इतना आसान तरीके से बन जाएगा कि फिर आप रेस्टोरेंट जाकर खाना ही भूल जाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा ये तंदूरी चिकन बनाना कितना आसान है। मुझे नहीं लगता कि चिकन करी बनाने से कुछ ये ज़्यादा मेहनत वाला है। हाँ बस एक नटी मसाला है, इसमें डिफरेंट है और ज़रा मेथड चेंज है। और इस कबाब के साथ जो हमने चिली विनेगर रखा है वो भी हमारे वीडियो बने हुए हैं और हमारे चैनल पर मौजूद है, मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी एंड स्क्रीन पर, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। इन दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है और आप देखें ये कितना मज़ेदार दिख रहा है और कितना सॉफ्ट बना है। तो मैं चिकन को आपको काट कर दिखाने वाली हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बना है। देखिए इसे तो काटने से पहले ही ये टूट कर बिखर रहा है। बिल्कुल होटलों वाला टेक्सचर है और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है। मैंने इसे किनारे से चख कर देखा है, आप देख सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाएं, आप देखें ये कितना टेस्टी दिख रहा है। ज़रूर बनाएं, खाएं और खिलाएं और अपने नियर और डियर को बनाकर खिलाएं, इम्प्रेस करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए रेसिपी पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।